ہیلو اینڈ السلام علیکم، کیا حال ہے میرے دوستو؟ میرا نام ہے فہد اور آپ دیکھ رہے ہیں فہد یوٹیوب چینل۔ آج میں ٹریلر آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، وہ ہے پاکستانی مووی لوڈ ویڈنگ۔ فہد مصطفیٰ اس میں مین لیڈ ہیں اور عائشہ حیات کے ساتھ۔ ٹریلر دیکھنے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جتنی بھی میں نے پاکستانی موویز کا ٹریلر ریویو اور ریئیکٹ کیا ہے، مجھے پاکستانی پروڈیوسرز اور پروڈکشن کمپنی کی طرف سے کاپی رائٹ ہے نوٹسز آئے ہیں۔ تھوڑا سا ہارڈ فیل کرتا ہوں، کیونکہ میں اور مجھ جیسے بہت سے یوٹیوبرز پاکستانی موویز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں فری آف کاسٹ، ایکچولی وی ناٹ میکنگ اینی منی آؤٹ آف دس، لیکن وہ ہمیں نوٹسز دیتے ہیں، سم ٹائم ہمارے ویڈیوز بلاک کر دیتے ہیں۔ ایک مجھے کاپی رائٹ اسٹرائک بھی لگا ہے، جو میں نے پرواز ہے جنون لاسٹ ویک کیا تھا، تو ایک آلریڈی مجھے اسٹرائک آ چکا ہے۔ اف آئی گیٹ ٹو مور اسٹرائکس دین مائی چینل ول بی شٹ ڈاؤن۔ سو میری پاکستانی پروڈیوسرز اور پروڈکشن کمپنی سے گزارش ہے، اگر ہم آپ کے ٹریلرز اور موویز کو پروموٹ کرتے ہیں اپنے ریویوز کے ذریعے، چاہے وہ نگیٹو ہو چاہے پازیٹیو ہوں، تو پلیز ٹیک ایز اے پازیٹیو وے، اور ہم لوگوں کو کاپی رائٹ نوٹسز نہ بھیجے۔ یہ میری آپ سے سمپل سی گزارش ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں مزید گفتگو کریں، آئیے ٹریلر دیکھتے ہیں، پھر اس پہ ریئیکٹ بھی کروں گا اور اس پہ ریویو بھی دوں گا۔ बसंत का दिन था, सब गुड़ियां उड़ाने में मस्त थे और हम लूटने में। बचपन से प्यार करता हूं जी आपसे, पर कभी कह ही नहीं पाया। जोड़ बराबर का ही अच्छा लगता है, अम्मा नहीं राजी होगी। राजे कान खोल के सुन ले, जब तक तेरी बेबी बाजी की शादी नहीं होती, अपनी शादी का सोचना भी ना। शरीफ लड़कियों की शादियाँ ना देर से ही होती है रशीदा, मोहल्ले के मासूम लड़के नहीं पसारी में औरों की तरह। हमी जी बेटा हूँ मैं तेरा, कोई सामान की पेटी नहीं जो बेबी बाजी के जहेज में दे देगी। देख के जरा ध्यान, शादी तो मेरी मीरू से ही होनी है, और जो करना है कर लो। तुसी तो मेरा गला दबा दे, मार दे मुझे, मेरी मैयत में कर ले शादी जी। हो गई आपकी बेबी बाजी की शादी? नहीं जी, पर हिम्मत आ गई है जी। थप्पड़ का मतलब ना होता है, नो। क्यों क्या मेरे राजे नो? तुम मुझे अच्छे या बुरे नहीं लगते, बस अपने लगते हो। रंगे या मैं रंगे या इश्क च रंगे या, तेरिया यादा विच दिन मेरा लंगे। राजा ये हम कहाँ जा रहे हैं? शो में आशिक भाई। मांगा भी तो मेरी बहन ने, क्या मांगा? बस I love you। हम तो समझते थे कहाँ पे जाता है, ऐ ते इश्क लड़ा रहा था। फिटे मुंह तेरा वड्डा मजनू। उठ तेरी भैन तेरी। ऐसा क्यों हुआ भाई, क्यों मेरे साथ ही क्यों? की कर लेता वो करके लेता, हाथ तो मरने में थे मेरे। उन्हें लड़की वापस भेजते हुए शर्म नहीं है, और तुझे जहेज का सामान वापस मांगते हुए शर्म आ रही है। कमले हैं जी सारे, रब की मर्जी नहीं समझते। आज अंधेरे में आपके आंसू चमके हैं जो सिर्फ मैंने देखे, कल जब आपकी किस्मत चमकेगी ना तो पूरा नराली देखेगा। कसम है یہ تھا ٹریلر جی۔ ٹریلر دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک فہد مصطفیٰ عائشہ حیات کو پسند کرتے ہیں اور ان کی ان سے شادی ہوتی ہے، پھر یا تو وہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں یا طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر کس طرح وہ آپس میں دوبارہ ملتے ہیں، شاید اس سٹرگل کے اوپر ہے۔
या ये कि कुछ और, क्योंकि जिस तरह ट्रेलर कट किया गया है कुछ कहानी समझ में नहीं आ रही, लेकिन रोमांटिक स्टोरी है, लोकेशंस प्रोडक्शन वाइज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली शॉट है। ट्रेलर देखते हुए मुझे कुछ महसूस हुआ कि ये इसमें कुछ बॉलीवुड फीलिंग्स आ रही है, शाहरुख खान की मूवीज़ आप वीर तारा देख लें, तनु वेड्स मन्नू, और शाहरुख खान की एक और मूवी थी जो मेरे ख्याल में अनुष्का शर्मा के साथ थी, उनका मुझे नाम याद नहीं है उस मूवी का, लेकिन कुछ इस तरह मिक्स फिल्मों के जो टुकड़े उठा उठा के उसमें डाले गए हैं, या हो सकता है कि ये फिल्म ओरिजिनल हो। ट्रेलर से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लोकेशन वाइज एंड डायरेक्शन वाइज मूवी अच्छी लग रही है, काफ़ी रिच है। फहद मुस्तफ़ा इज़ अ डार्लिंग, नो डाउट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर इन पाकिस्तान। आशा हयात शी इज़ अनदर गुड एक्ट्रेस इन पाकिस्तान, मगर इस रोल में आई डोंट नो, मेरा ओपिनियन है ये ज़्यादा जज नहीं पा रही है, क्योंकि उनका जो लुक है, जो उनका फिगर है, या जिस हिसाब से वो दिखती हैं स्क्रीन पे, वो काफ़ी मॉडर्न लुक है, लेकिन ये स्टोरी बेस्ड है गांव की एक सादी लड़की जो मासूम सी और बिल्कुल भोली भाली सी, ऐसा आशा हयात के कैरेक्टर से बिल्कुल नहीं लग रहा, तो मुझे नहीं लगता, मगर कुछ वो इस कैरेक्टर में जची नहीं है। हो सकता है कि ये सिर्फ मेरा ही सोचना हो या मुझे लग रहा हो, अगर आपको ऐसा लगता था मुझे ज़रूर बताइए, हो सकता है मैं भी गलत हूँ। लेकिन प्रोडक्शन वाइज फिल्म लुक्स वेरी गुड, वेरी रिच। ईद उल अदा पे, बड़ी ईद पे रिलीज़ हो रही है, आप देखिएगा उसको, हम भी देखने जाएंगे। और प्लीज़ मैं प्रोडक्शन हाउस से दोबारा अपील करता हूँ कि मुझे कॉपीराइट के नोटिस ना भेजिए और ना मेरा वीडियो ब्लॉक कीजिए, मैं सिर्फ अपनी मूवी इंडस्ट्री जो पाकिस्तान मूवी इंडस्ट्री है उसको रिवाइव करते हुए देखना चाहता हूँ, तरक्की करते हुए देखना चाहता हूँ, तो अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन है। अब तक के लिए इतना ही व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए फॉर नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियोस। अपने कमेंट से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, क्या आप समझते हैं जो इस ट्रेलर के बारे में मैंने बातें कही हैं वो सही हैं या गलत हैं, तो अपनी फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, मुझे आपका फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, खुश रहें, आबाद रहें, स्टे सेफ, गुड बाय।